अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब 35 और एक है आपका वर्ब नॉन 35 और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ब 35 और वर्ब अनसर्टिफाइड थर्ड पॉइंट है ये आपका। वर्ब 35 मैंने कल समझा दिया था कि ये मेरी बिल्डिंग है, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैंने इस बिल्डिंग को 80% रेडी कर दिया है, क्या कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को ये मानकर पेमेंट कर देगा? नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक इंजीनियर आके उसको सर्टिफाइड नहीं कर जाता। इंजीनियर ने आके कहा 80% में भाई सिर्फ 70% भी आपका वर्क सर्टिफाइड है, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ और सिर्फ 70% की पेमेंट करेगा और 10% की तब तक पेमेंट नहीं करेगा जब तक नॉट सर्टिफाइड सर्टिफाइड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। कहते हैं जो 70% सर्टिफाइड है उसकी पेमेंट एडवांस कर दी जाती है सर्टिफाइड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट मिलने के बाद, और उसके बाद जो 10% है वो रिटेन करके रख लिया जाता है एज ए रिजर्व मानकर। 10% क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्टर बीच में ही भाग जाए। अगर कॉन्ट्रैक्टर बीच में चला जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करेगा, बट इतनी अमाउंट की बात होती है तो कॉन्ट्रैक्टर भी अपने काम को छोड़कर नहीं जाता, और उस 10% को जब तक सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाती, मतलब जब तक नॉट सर्टिफाइड सर्टिफाइड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं करता। कहते हैं कि ये तो था वर्क सर्टिफाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, ठीक है। छोटा सा बना देती हूँ, ये डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसे WIP कहते हैं। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। कहते हैं ये जो वर्क सर्टिफाइड है इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के किस साइड दिखाया जाता है? ऐसे हेड बनाकर वर्क इन प्रोग्रेस, और इसके नीचे लिख देते हैं वर्क सर्टिफाइड, यहां पर लिख देता है क्रेडिट साइड में वर्क नॉट सर्टिफाइड इस साइड आ जाता है, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस में ये काम आता है डेबिट साइड, ठीक है। यहां पर आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड, ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। वर्क नॉट सर्टिफाइड, कहते हैं वर्क सर्टिफाइड पर तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दोगे क्योंकि आपको पता लगे अभी इतना सर्टिफाइड हो चुका है। वर्क नॉट सर्टिफाइड, जब काम ही सर्टिफाइड नहीं हुआ तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इस केस में ये कॉस्ट पर कैलकुलेट किए जाते हैं, ये प्रॉफिट पर कैलकुलेट किए जाते हैं और ये कॉस्ट पर कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ये जानना चाहता है कि भाई जो मेरा काम सर्टिफाइड नहीं हुआ उस पर कुछ तो प्रॉफिट मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। तो इस पर जब हमारे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेडी नहीं होते और वर्क भी नॉट सर्टिफाइड होता है, तो उस केस में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके आपको मैं चार केस बताऊंगी, ठीक है। और चारों भी रूल होंगे और चार रूल जो है पूरे चैप्टर पर आपके अप्लाई होंगे। अब आता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, उसको जो परचेज कंसिडरेशन दिया जाता है वो उसका क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहां लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्टी के नाम से। मैं यहां पर लिखूंगी बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और ब्रैकेट में लिखूंगी कि ये मेरा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। अगर मैंने यहाँ बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखा है तो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बना देती हूँ साथ के साथ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, इसके डेबिट साइड में हमारा आगे यहाँ पर टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, और इसको क्लोज कर दो बाय बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में ये कहां आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। इस तरह से ये ऐसे चलता है। अब आता है डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन
कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे ये जानना चाहता है क्या उस पर भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। फर्स्ट केस आता है प्रॉफिट लॉस ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट्स आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? उसने कहा है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट पर जब पेमेंट की जाती है तो वो लमसम पेमेंट कुछ रिसीव हो जाती है या फिर इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो जाती है, क्योंकि 70% सर्टिफाइड का मतलब है कि 70% की पेमेंट उसको मिल रही है और उस पर वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है। तब उसको कहां लिखा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में वर्क लॉट सर्टिफाइड करके लिखा जाता है। कहते हैं इसमें एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आ गया टू मतलब बाय कॉन्ट्रैक्टिंग के नाम से और यहाँ पर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से। फिर उसके बाद इसका क्या करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट? इन केस ऑफ प्रॉफिट ये कहते हैं कि इन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर हमने ये कह दिया कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट है? हमें ऐसे पता लगेगा ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। हमने सारी आइटम लिखने के बाद यहाँ पर हमारा 1000 रुपीज बन रहा है, यहाँ पर हमारा 800 रुपीज बन रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, देन आंसर इज 200 रुपीज। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट हो गया। और अगर डेबिट साइड आपकी ज्यादा हो जाती और क्रेडिट साइड आपका कम हो जाता तो जो यहाँ बचता 200 रुपये वो क्या हो जाता? आपका लॉस हो जाता। तो इसके लिए क्या एंट्री बनती? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब अगर इसमें ये वाली साइड ज्यादा है तो जो बचेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। अगर ये वाली साइड ज्यादा है वहां कम पड़ रहा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? इन केस ऑफ प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे बोलते हैं नॉमिनल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर क्या प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ एनपी के नाम से आ जाता है, नॉमिनल प्रॉफिट के नाम से, या कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कैसे होगा ये चारों केसेस में समझाऊंगी वन बाय वन। वीडियो पॉज कर दो। प्रॉफिट और लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी ये जानना चाहता है कि जो काम मेरा सर्टिफाइड नहीं हुआ बट कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से तो वो कंप्लीट हो चुका है, क्या उस पर भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पर वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट टेक्स मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर फॉर इट टू कंप्लीट, इट इज यूजुअल टू टेक इनटू अकाउंट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ओनली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब इसको क्या करेंगे कि जितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है उसे कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इफ देयर इज अ लॉस द होल ऑफ लॉस इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एज पर जनरल प्रिंसिपल द प्रॉफिट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं एज पर प्रिंसिपल की बात करें तो बिना इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। बट इन दिस रिगार्ड देर आर वेरियस व्यूज ऑफ एक्सपर्ट। फर्स्टली एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट इज अगेंस्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एंटिसिपेशन प्रॉफिट का मतलब कह रहा है नॉमिनल प्रॉफिट। ठीक है, एनपी। सेकेंडली नेट प्रॉफिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। नेट प्रॉफिट आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। दोज कॉन्ट्रैक्ट विच अपीयर टू बी प्रॉफिटेबल एट प्रेजेंट मे अकर इनकर अ लॉस इन फ्यूचर। हो सकता है आज प्रॉफिट हो और जब कैलकुलेट किया हो तब लॉस निकल जाए। थर्डली इनकम टैक्स विल बी पेबल बिफोर एक्चुअली ड्यू, कि कितना ड्यू है पहले से ही आपको पे भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो। बट अगर एडवाइजेबल की बात करें तो आपको प्रॉफिट जो है निकालने पड़ेंगे और उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल प्रॉफिट के नाम से वो जाना जाता है। ये थ्योरी पढ़ लेना ऊपर क्वेश्चन वाली। फर्स्ट देखो क्या कहता है, इफ वर्क सर्टिफाइड इज 1/4। ठीक है, अगर आपका काम 1/4 है, 1/4 क्या कितना होता है? 25%। ठीक है, If work certified, पहला केस ये था कि work certified is less than 1/4 of contract price, कि अगर आपका work certified contract price से 1/4 से कम है, और ये कैसे पता लगे कितना काम work completed हो चुका है? तो work completed कैसे निकालेंगे? इसमें फॉर्मूला लिखा नहीं, वो बता रही हूँ आपको।
टाइम्स और मल्टीप्लाई इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। काम कितना कंप्लीट हुआ उसको निकालिएगा। इससे ये पता लग जाएगा कि आपका आंसर 25% से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। अगर मान लो मैं सॉल्व करती इसे और ये मेरा 19% आता तो मुझे पता था कि ये पहले वाला केस है, लेस देन 1/4 वाला, तो मैं यहाँ पर ये वाला अप्लाई कर देती। कहता है अगर वो लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तब आप क्या करोगे, नो प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड। इसका आंसर ये आएगा, नो प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड। कोई भी प्रॉफिट आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, मतलब भूल जाओ कि भी 1/4 से कम है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, ना तो नियर अबाउट है ना बीच में है, तो पेमेंट होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। बट सेकंड केस, इफ वर्क सर्टिफाइड इज 1/4 और मोर, 1/4 और मोर मतलब 25% से ज्यादा बट लेस देन हाफ, लेकिन हाफ से कम, 25 से 50% के बीच की बात कर, कि अब आपका वर्क कंप्लीटेड 25% से ज्यादा हो और 50% से कम हो, तब आपका ये सेकंड वाला केस होगा। इस सेकंड वाले केस में आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा लिखो जरा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू 1/3 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, ऐसे निकले, ठीक है। मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट का अगर मैं 1/3 कर देती हूँ और इनटू कैश रिसीव्ड इन और अपॉन में वर्क सर्टिफाइड कर दूँ, तो इतना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से जिसका आंसर आया माइनस करके जो बचेगा वो रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि दो केस हो जाएंगे, 1/3 करके ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बैलेंस बचेगा वो रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, वो रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इफ वर्क सर्टिफाइड इज हाफ और मोर, हाफ और मोर मतलब 50% से ज्यादा, ठीक है, या हाफ और मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बस 50% से ज्यादा हो, मतलब 50% से जरा सा भी ऊपर आ गया ना, 51%, 2%, 60%, बट नियर अबाउट नहीं बताया, बट यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है 50 से 90% के बीच में जो काम हुआ, इसका मतलब हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो सकता है। तो इस केस में प्रॉफिट क्या होगा, मतलब कैसे निकालोगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट वहां पर 1/3 कर रहे थे, यहां पर करोगे 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड, ये दे रखा होगा, और अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। इट मींस 2/3 करके ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बैलेंस बचेगा वो चला जाएगा आपका रिजर्व के। बाकी क्वेश्चन से और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, फिलहाल फॉर्मूले याद रखते हैं, राइट। अब वो कह रहा है इफ वर्क सर्टिफाइड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, मतलब हो सकता है अबव 90 हो, अबव 90 और 95% से, मतलब हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट होने वाला ही है, उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये कह रहा है जो ये फोर्थ वाला केस है ना, 90% या 95% एंड अबव, उसमें क्या करोगे, आपने सबसे पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से लेस कर दोगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंप्लीशन, मतलब कितना आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है, फिर जो बचेगा वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा आपका। सेकंड कह रहा है क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंप्लीशन कैसे निकालोगे, क्योंकि ये भी तो होना चाहिए लेस करने से पहले। फिर आप क्या करोगे, नेट एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कि कितना आपने खर्चा किया उस डेट तक, एड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट स्टिल टू बी इनकर्ड सो एज टू कंप्लीट, कौन कौन से खर्चे किए, मटेरियल एक्सपेंसेस वगैरह ये सारे आ जाएंगे, जो बचेगा वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंप्लीशन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा इस केस में, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन में
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या फिर इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब दोनों में से एक कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो और दोनों में से एक भी लोगे तो आंसर अलग अलग आएगा, एक जैसा नहीं आएगा, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, या तो फर्स्ट वाले से निकाल देना वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखे, या सेकंड से निकाल देना कैश रिसीव्ड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये यहाँ तक आपको समझ आए, वीडियो सेव कर दो।